आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगी की दाल के लड्डू, मूंगी करारे। इसको चटनी, प्याज, मूली, हरा धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, सब मसाले डालकर इनको बहुत चटपटा और स्वाद बना दिया जाता है। इसके लिए जो हमको सामग्री चाहिए वो है 1 कटोरी मूंगी की दाल, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हींग जरा सी। इसके लिए हमने दाल को रात में ही भिगो के रख दिया था, तो ये दाल जो है ये फूल कर इतनी बड़ी हो गई है। अब इसको और इस सारे मसाले को मिलाकर हम पीस लेंगे। अब दाल को हमने कटोरे में से निकाल कर मिक्सी के जार में डाल दिया है, 2 बारी दोबारा पानी से धो दिया था। अब ये जो फालतू का पानी है इसको हम निकाल देंगे और बहुत कम पानी में हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे और मिक्सी को चला लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हमारी जो ये दाल है ये मिक्सी में पिस चुकी है। अब हम इसको इस कटोरे में निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा मेन सब काम हो गया। अब हमको तलने के लिए रिफाइंड ऑयल चाहिए, चाहे सरसों के तेल में तलिए, किसी भी ऑयल में तलिए जो आप लोग लेते और खाते हैं। ये देखिए ये होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, ताकि ये जब हम इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो ऐसे गोल गोल लड्डू बनता जाएगा इसका। देखिए अब मिक्सी में हमारा ये सारा पिस चुका है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करना रख देंगे और जब वो गरम हो जाएगा तब इसको हम तलेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए ताकि जब हम गरम तेल में ये लड्डू को, गुलगुले को डालेंगे तो ये गोल गोल और फूला फूला बनेगा। इसमें आप पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, डालेंगे तो और बढ़िया बनेगा। देखिए नमक, मिर्च, मसाला आप सब अपने टेस्ट के हिसाब से बनाइए। अब हम लोग एक डीप पैन लेंगे, उसके अंदर हम रिफाइंड डाल देंगे ताकि ये गर्म हो जाए। ये इसलिए हम ले रहे हैं डीप पैन ताकि तेल उछल के बाहर न गिरे। अब इसको गर्म होने दीजिए। अब जिस तरह से हम दही भल्ला तलने के लिए एक कटोरी में पानी लेते हैं, 1 चम्मच को गीला करते हैं, उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। अब हम इस कटोरे में चम्मच को डालेंगे और सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा तेल गर्म हो गया है। अगर जो हमने डाला है अगर वो तल के आसानी से ऊपर आ जाएगा तो समझिए हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए ये ऊपर आ गया है, नीचे चिपका नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑयल इसके लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम सारे इसके अंदर डालते जाएंगे। मूंगी करारे गुलगुले तलकर रेडी हो गए हैं। अब हम ये छन्नी लेंगे और इसके अंदर उसमें से निकाल कर इसके अंदर हम डाल, इसी तरह से हम बाकी के गुलगुलों को भी फ्राई कर लेंगे। अब हमारे गुलगुले तो बनकर तैयार हो गए। अब हमको इसको सर्व करना है, ये क्योंकि गुलगुले की चाट है
तो इसके लिए हमको मसाले भी बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। ये आप इसमें मेरे को क्वांटिटी बताने की जरूरत नहीं है कि इतनी लें इतनी लें इतनी लें, जितना आपको टेस्ट लगे उतनी आप क्वांटिटी लें। बस हम आपको ये बताते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, सफेद नमक लिया है, काला नमक लिया है, चाट मसाला, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल चटनी, हरी चटनी। अच्छा, अब ये जो हमारी गुड़ की मीठी चटनी है, ये तो बनाई हमने तो ये काली काली लग रही थी, तो हमने इसमें कलर नहीं मिलाया, हमने इसमें लाल कश्मीरी मिर्च मिलाकर इसको हमने लाल कलर का कर दिया है। और ये है धनिया पाउडर, इसके लिए हमको कटा हुआ हरा धनिया, प्याज कटे हुए, हरी मिर्च लंबी कटी हुई और छोटी कटी हुई चाहिए। अब हमारी मेन प्रेपरेशन शुरू होने लगी है कि कैसे हम इसको सर्व करेंगे। हम सबसे पहले गुलगुले लेंगे और इसको हम प्लेट में लगा देंगे। इसको हम राम लड्डू को प्लेट के अंदर डाल देंगे। और अब सारे मसाले देखिए, जैसे बाजार में बिकती है मसाले, हम हाथ से ही डालेंगे स्पून से, तो मतलब वो स्वाद नहीं आएगा आपको। एक एक करके हम ये सारे मसाले इसके ऊपर डालते जाएंगे। ये देखिए, ये सिर्फ मसालों का स्वाद है कि जैसे मसाले डालेंगे वैसा मजा आएगा। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे ये कटा हुआ प्याज, उसके ऊपर हरा धनिया, फिर कटी हुई हरी मिर्चें। चाट है तीखी तो होगी, अगर बच्चे खाएंगे तो बेशक आप कटी हुई हरी मिर्चें मत डालिए। अब आप चटनी डालिए, देखिए चटनी को ऐसे घुमा घुमा के डालिए, वाह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अगर हम कलर डालते तो हम बुश का ही डालते, क्योंकि वो बुश का कलर बहुत अच्छा होता है। हरी चटनी भी हमने बाजार की तरह मोटी और पतली वाली ही कूटी है, जैसे हाथ से कुटी हुई होती है। और ये ऊपर से हरी मिर्च लंबी कटी से गार्निशिंग होगी हमारे जो है। ये देखिए रेडी हो, ये देखिए, इसको देखकर किसी का भी दिल कर जाएगा खाने का। लाल चटनी, हरी चटनी, नमक मिर्च मसाले, चाट मसाला, जीरा पाउडर और कितनी तरह के मसाले इसमें डाले हैं ताकि ये बहुत टेस्टी लगे। ये देखिए, और चटनी मसाले चारों तरफ हैं। वाओ यम्मी, देखिए हमारे गुलगुले कितने बढ़िया बने हैं। ये हमने देखिए मोटे मोटे प्याज, मोटा मोटा हरा धनिया, मोटी हरी मिर्च कटी हुई, बिल्कुल रोड साइड स्टाइल में करनी है। देखिए